हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में रिकूल डी कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। रिकूल डी कैप्सूल का मुख्यतः उपयोग एसिडिटी की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। आइए इस कैप्सूल के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये कैप्सूल कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस कैप्सूल के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस कैप्सूल से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये 15 कैप्सूल की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 240 रुपए में मिल जाएंगी। बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, यह कैप्सूल खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और सलाह की जरूरत होती है। यह डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाली कैप्सूल है। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। रिकूल डी कैप्सूल में रैबिप्रोजॉल सोडियम आईपी 20 mg, डोमपेरोडॉन आईपी 30 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद डोमपेरोडॉन एक प्रोकाइनेटिक है जो पेट और आंतों की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से पर काम करता है, जिससे खाना बहुत आसानी से पेट से आगे की प्रक्रिया के लिए चला जाता है। रैबिप्रोजॉल एक पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो पेट में एसिडिटी की मात्रा को कम करता है और एसिडिटी से संबंधित समस्याओं से राहत देता है। बात करते हैं इस कैप्सूल के यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस कैप्सूल का उपयोग पेट में अल्सर होने की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं, जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव है जो कि पेट के भीतरी हिस्से की परत में, भोजन नली में और छोटी आंत में विकसित होता है। पेप्टिक अल्सर में पेट में दर्द होता है और यह दर्द नाभि से लेकर छाती तक महसूस होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे मितली उल्टी आने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस कैप्सूल का उपयोग GERD गर्ट, जिसे हम गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज कहते हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस कैप्सूल का यूज करते हैं। गर्ट एक दीर्घकालीन पाचन संबंधित समस्या है। गर्ट तब होता है जब पेट में उत्पन्न एसिड आपकी भोजन नली में वापस आ जाता है। इस रिफ्लेक्स के परिणाम स्वरूप आपकी भोजन नली की अंदरूनी सतह पर जलन होती है और गर्द की समस्या हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। इस कैप्सूल का उपयोग एसिडिटी की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस कैप्सूल का अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस कैप्सूल का इस्तेमाल अन्य समस्या को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इस कैप्सूल के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इस कैप्सूल का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, इस कैप्सूल का डोस आपके समस्या पर निर्धारित होता है। यदि आपकी समस्या ज्यादा हो तो इस कैप्सूल का डोस भी ज्यादा होगा, यदि आपकी समस्या कम हो तो इस कैप्सूल का डोस भी कम होगा। इसलिए आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस कैप्सूल का डोस उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये कैप्सूल दिन में एक बार खाना खाने के आधे घंटे पहले ले सकते। साइड इफेक्ट, इस कैप्सूल के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आपको दस्त, पेट में दर्द, मुंह में सूखापन आना, सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते। प्रिकॉशन, इस कैप्सूल को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस कैप्सूल के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस कैप्सूल का यूज न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य मेडिसिन, टैबलेट, कैप्सूल ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दें। इस वजह से इस कैप्सूल का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लिवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। गर्भवती महिलाएं ये कैप्सूल यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। इस कैप्सूल के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।